वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने में। आज हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किस तरह से याद किए जा सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं उनको याद रखने में, क्या हमको ऐसे कनेक्शंस पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले आसानी से हमें याद हो जाएँ। तो और एक और चीज़ कि जल्दी हम लोग एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो डेरिवेटिव के कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। जैसे हमने लिमिट का कंसेप्ट लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो देखिए आएगा, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही आसानी से लिमिट के कंसेप्ट को उसमें समझाया गया है और एनिमेशंस का भी यूज़ उसमें किया गया है, हल्के फुल्के एनिमेशन से, जिससे हम लिमिट के कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो है आई कार्ड में आप उसे देख सकते हैं, आप क्लिक करके उस वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी फ़िलहाल बढ़ते हैं हम इस वीडियो पे जिसमें हम देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले किस तरह से याद रखे जाएँ। ठीक है, और वेट कीजिए, इसके कंसेप्ट को भी समझाएंगे हम लोग कि डेरिवेटिव होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से फंक्शंस पे अप्लाई होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो बेसिक है डिफरेंशिएशन का, वो हम लोग जल्द ही एक वीडियो आने वाला है उसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिलहाल फॉर्मूले पे फोकस करते हैं कि फॉर्मूले किस तरह से हम डेरिवेटिव के लर्न करेंगे। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, हम इसको कैटेगरी वाइज पहले आप डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेटिव के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक है, देन लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। तो अगर हम ये तीन कैटेगरीज में फॉर्मूले को डिवाइड कर ले तो इसको लर्न करने में बड़ी आसानी होती है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड सिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप छोटा सा पेयर बना लीजिए, पेयर में आप काम कीजिए। जैसे ये फर्स्ट फोर फॉर्मूले, ये सिंगल साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता है, ठीक है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन ये लास्ट के दो फॉर्मूले में आप देखोगे कि ये खुद को रिपीट करते हैं और साथ ही साथ इनके जोड़ीदार को बोल सकते हैं, इनके फ्रेंड को साथ में बुला लेते हैं। ठीक है, जैसे कोसेक एक्स है तो उसका फ्रेंड कॉट एक्स है। याद रखिए, ये पेयर में आप उसको याद रखोगे, जैसे साइन एक्स का फ्रेंड कॉस एक्स, अब याद रखिए। ठीक है, तो कॉस एक्स का ऑब्वियसली साइन एक्स होगा, साइन एक्स का अगर कॉस एक्स फ्रेंड है तो कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। इसी तरह टेन एक्स का जो फ्रेंड है वो सेक एक्स होता है और कॉट एक्स का फ्रेंड कोसेक एक्स होता है, वाइस वर्सा भी। अब इसको याद रखिएगा, ठीक है, तो ये इनके फ्रेंड्स हैं। अब इसको ऐसे याद रख लेंगे, फ्रेंड्स कौन किसका फ्रेंड है, तो इससे बहुत आसानी होगी फॉर्मूले लर्न करने में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का फ्रेंड कॉस एक्स, साइन एक्स पे जब भी डेरिवेटिव आएगा उसकी हेल्प के लिए कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स पे जब भी डेरिवेटिव आ जाएगा उसकी हेल्प के लिए साइन एक्स आ जाएगा। टेन एक्स पे जब भी आएगा तो सेक एक्स आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ आएगा, ये यहाँ पर याद रखना है, स्क्वायर के साथ। कॉट के साथ ऑब्वियसली कोसेक आ जाएगा, क्योंकि कोसेक कॉट का फ्रेंड है, लेकिन वो भी किसके साथ आएगा, स्क्वायर के साथ आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेक एक्स खुद रहेगा, सेक एक्स पे जब भी डिफरेंशिएशन आएगा तो वो खुद तो रहेगा ही रहेगा, उसका फ्रेंड भी आ जाएगा उसकी हेल्प के लिए, और कोसेक कोसेक एक्स के लिए भी उसकी फ्रेंड। अब इसमें याद ये रखना है कि माइनस कहाँ आएगा, कहीं कहीं आप देख रहे हैं माइनस आएगा, तो जब भी डेरिवेटिव सी वालों के पास आएगा, ये वर्ड आप देखिए, कैप लेटर देखिए सी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ वहाँ माइनस आता है। तो अब ये फॉर्मूले आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं।
ठीक है। अब अलजेब्रिक फॉर्मूले देख लेते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूले मतलब इसमें सबसे सिंपल आता है डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम x टू द पावर n का। तो x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा क्या उसकी, अब जैसे अब यहाँ पर हेल्प के लिए आ रहे हैं तो उसके हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला है, लेकिन वो अपनी एक पावर कम कर देगा, यानी क्या होगा इसका पावर हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। और ये n जो है सामने आ जाएगा। देखिए याद रखने के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं, अदरवाइज़ कंसेप्ट तो कुछ और ही है, बट हमको लर्न करना है, इसको मेमोराइज़ करना है, तो इसके लिए आप जो ट्रिक चाहे, जैसी ट्रिक चाहे वैसे आप बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक पर्टिकुलर वे से ही आपको लर्न करना है। लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथड चाहे कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो x टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस वन। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स x टू द पावर 3 और डी बाई डी एक्स x। इन सब के फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि यही n की प्लेस पे बस यह नंबर आ गया है, याद रखिए यहाँ पर ये नंबर होना चाहिए n, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव भी चलेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव का भी हम आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर n क्या होगा सामने आ जाएगा, मतलब ये जो 7 है ये सामने आ जाएगा, ये आ गया सामने, ठीक है। और एक पावर कम कर देगा x, दैट मीन्स 6, 7 x टू द पावर 6, यहाँ पर भी सेम होगा, 5 सामने आ जाएगा, और x अपना एक पावर कम कर देगा, दैट इज़ 4, 5 x टू द पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 सामने आ जाएगा, और x अपना एक पावर माइनस कर देगा या कम कर देगा, तो माइनस 3 में से और एक माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। याद रखिए पावर अगर निगेटिव है तो जब उसमें से एक कम करेगा वो अपना पावर, तो एक्चुअली वो निगेटिव में ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 3 का कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर कुछ नहीं, मीन्स कितना है 1, एक्स का पावर 1 है, ये 1 सामने आ जाएगा, 1 सामने लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक एक्स का पावर कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा एक्स, यानी चाहे आप लिख लो 1 सामने आ गया या 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब किसी भी किसी का पावर 0 होता है अगर, तो हम जानते हैं वो वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसा होता नहीं है, बट आप याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि जो भी आप किसी भी फंक्शन को, जो भी आप फंक्शन है उसी को उसी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो 1 हो जाता है। x को x के डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बन जाएगा, t को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हो गया अलजेब्रा। सेकेंड इसमें आ जाता है रूट वाला, रूट एक्स, इसका स्पेशल, ये एक्चुअली इसी वे से बनता है, ये जो फॉर्मूला है इसी से बनता है, बट हम एक स्पेशल इसका बन जाता है, इसलिए इसको याद रख लेते हैं कि रूट में जो भी फंक्शन रहे, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका डिफरेंशिएशन में आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये सबसे सिंपल होता है और सभी को याद होता है, ई टू द पावर एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ई टू द पावर एक्स ही आता है। सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, अब ये ए क्या होता है, ये ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, वैसे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, a टू द पावर x ही होता है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है log a, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली इधर भी ऐसे ही आता है e टू द पावर x log e, बट log e हम सबको पता है 1 होता है, इसलिए log e को हम लिखते ही नहीं है, e टू द पावर x log e, ठीक है। बहुत सारे पहले ये बता देते हैं डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, फिर उसके बाद ये बताते हैं ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स लॉग ई, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए आएगा, तो ई टू द पावर एक्स का क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स लॉग ई, बट लॉग ई जो होता है ये 1 होता है, याद रखिए, क्योंकि लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई कंसिडर किया जाता है,
यहाँ पर हम लॉग के जितना भी हम पढ़ेंगे लॉग उसके बेस में ई ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये लॉग और आपका लॉग टेबल, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको बाद में डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आप हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लॉग बेस 10 का भी यूज़ होता है, लॉग बेस ई का भी यूज़ होता है जब आप अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करेंगे तब, तो तब वो चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो आपको याद रखना है लॉग के बेस में कुछ नहीं है, मीन्स ई है, तो यहाँ पर लॉग ई आ जाए तो वो 1 हो जाता है, इसलिए लॉग ई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 7 to the power x आ जाए, यहाँ नंबर होना ज़रूरी है, देखिए इसका थोड़ा सा उल्टा है, एक्स टू द पावर 7 ये अलग हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, और अगर पावर में वेरिएबल चला जाए तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ठीक है। तो ये 7 to the power x देखिए एक दूसरे के उल्टे अपोजिट है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 7 to the power x log 7। ओके, तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के दो ही टर्म्स थे हमारे पास जो डेरिवेटिव में आते हैं, वो हमने बता दिए। अब लॉगरिथमिक देख लेते हैं, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर आप देखते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका आ जाता है 1/x, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले आते कैसे हैं, जब हम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे सारे फॉर्मूले आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए, अगेन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बेस में ई है, ठीक है। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ऐसा आता है लॉग बेस ई आ जाता है लॉग ई, लेकिन लॉग ई 1 होता है इसलिए हम यहाँ लॉग ई नहीं लिखते, यहाँ एक्स के साथ क्या होता है लॉग ई होता है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा फिर, यहाँ एक्स के साथ क्या आ जाएगा लॉग ए, आ रहा है समझ में, यहाँ ई था तो यहाँ लॉग ई आ रहा था, लॉग ई तो 1 होता है लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ए है तो यहाँ आ जाएगा लॉग ए। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस 3, तो यह आ जाएगा 1/x log 3, ठीक है। और इसके बेस में क्या रहेगा ई, कुछ नहीं, लॉग के बेस में कुछ नहीं मीन्स ई रहेगा। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। अब आप इसमें अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं याद करने के लिए, या हो सकता है कि ये ट्रिक्स आपके कुछ काम आ जाए और आपको लर्न करने में आसानी हो। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 12th या 11th में ही नहीं, ये जो चैप्टर है ये आपको हायर मैथमेटिक्स में भी बहुत यूज़ होगा, ये कैलकुलस का पोर्शन है। और आप डिग्री में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, बीएससी करोगे, या जहाँ पर भी डिग्री में मैथमेटिक्स होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके साथ होगा, इसलिए इसको अगर आप आगे मैथ्स लेना है, आप लोगों को आगे मैथ्स करना है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ इसके बेसिक्स को आप आसानी अच्छे से समझिए और इसको आप फॉर्मूले जो है इसके लर्न कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे।